इंदौर में कमिश्नरी लगने के बाद भी गुंडों के हौसले बुलंद हैं। कमिश्नरी लगने के बाद भी गुंडों को पुलिस प्रशासन का कोई डर नहीं है, वे खुलेआम अपराध को अंजाम देते हैं। ऐसी ही एक घटना इंदौर में हुई, जहां पुरानी रंजिश के चलते आशुतोष परमार नामक 24 वर्षीय युवक की हत्या उसके दोस्तों ने कर दी। हत्या के आरोपियों का नाम कपिल व्यास, ऋषभ गुजर और रोहित बताया जा रहा है। दरअसल सोमवार को देर शाम पुरानी रंजिश के चलते आशुतोष परमार के सिर पर बल्ला मारकर उसकी हत्या कर दी गई थी। हत्या के पहले आरोपी ने मृतक को शराब पिलाई और इसके बाद उसे मौत के घाट उतार दिया। मंगलवार दोपहर विजयनगर थाना क्षेत्र में परिजन थाने पहुंचे, जहां पर सभी ने शव को रखकर चक्का जाम करने की कोशिश की। पुलिस द्वारा परिजनों को यह आश्वासन दिया गया कि हत्यारों को जल्द ही गिरफ्तार किया जाएगा। वहीं गुस्साए परिजनों द्वारा कई घंटों तक थाने पर हंगामा भी किया गया। एसीपी विजयनगर ने बताया कि घटना को गंभीरता से लेते हुए पुलिस ने ऋषभ गुजर को गिरफ्तार कर लिया है और अन्य साथियों को भी गिरफ्तार करने की कोशिश की जा रही है। कपिल व्यास ने इसके पापा आशुतोष परमार को बुलवाया था और उनके साथ में नजर ने क्या हरकत करी और शाम को ऋषभ गुजर से उनको मरवा दिया। तो ये कितने बजे की घटना है? हमको 7 बजे फोन आया। 7 बजे रोहित जो उनका दोस्त है आशुतोष परमार का, उनका फोन आया कि बोला आशुतोष को मार के साइज के चमचम घाट पे फेंक दिया। हम लोग देखने गए तो मतलब वो वहाँ पे मरे पड़े थे। वहाँ से हम लोग भंडारी गए, भंडारी से हमको रेमवे रेफर कर दिया। अब अभी अभी पुलिस वाले बोल रहे हैं कि इन तीनों को मतलब गिरफ्तार कर लिया है और कल ने सर ने और देवलिया जी ने गारंटी ली है कि मतलब जुलूस निकालो, उनके मकान तोड़ो, आशुतोष के मुजरिमों को फांसी दो, प्रशासन ने हमको बोला है कि उनका जुलूस है और चार में निकलेगा और मकान भी डूब गया। छोटी गजरानी में हमारे समाज के युवा आशुतोष परमार से मामूली कहासुनी में यहाँ के क्षेत्रीय असामाजिक तत्व और स्ट्रीट शटर गुंडे जो कालू गुर्जर जो पूर्व से जिला बदर है, 19 अपराध है उस पर, और जिला बदर रहते हुए उसने जो है आशुतोष की हत्या करी। उसके सहयोग में कपिल व्यास और ऋषभ गुर्जर और नीरज गुर्जर ये सभी लोगों ने उसको मिलकर बेटों से मार पीट के मतलब बहुत बेदर्दी से बेरहमी से बर्बरता पूर्वक पिटाई करके उसकी निर्मम हत्या कर दी। और आज इस आक्रोश को लेकर पूरा परिवार, उनकी पत्नी, उनकी माताजी, उनका पूरा परिवार यहाँ विजयनगर थाने पर शव को रखकर यहाँ चक्का जाम समाजजनों ने किया था। और 10 महीने छोटा सा बच्चा है, पत्नी है, वो सब परेशान हो गए हैं। और सबके तरफ से मैंने जब अधिकारियों से बात करी है तो समाजजनों की और परिवार की यह मांग थी कि आरोपियों के मकान तोड़े जाएं और आरोपियों के जुलूस निकाले जाएं ताकि कानून का खौफ बने। आरोपियों में कानून का, पुलिस का खौफ बनना चाहिए, इसलिए उनके मकान भी तोड़े जाएं और उनके जुलूस भी निकाले जाएं। साथ ही एट्रोसिटी की कार्रवाई नहीं हुई थी, एट्रोसिटी की कार्रवाई का आश्वासन माननीय एसपी महोदय सक्सेना मैडम ने और भूपेंद्र सिंह जी जो एडिशनल एसपी उन्होंने दिया। एट्रोसिटी के साथ साथ जो कपिल व्यास और नीरज गुर्जर इन पर FIR दर्ज नहीं हुई थी, इन आरोपियों को भी उन्होंने सम्मिलित किया है। कुल मिला के जो आरोपी है, मारने वाले तीनों आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। कल की तारीख में उनका जुलूस भी निकलेगा और परसों जो है उनके मकान तोड़े जाएंगे, ऐसा आश्वासन जो है पुलिस प्रशासन ने हमारे को दिया। इस बात पर हमने यहाँ पर धरना प्रदर्शन समाप्त किया है। जी जी सर, आपका पूरा परिचय? मेरा नाम मनोज परमार, राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिल भारतीय भलाई महासंघ। धन्यवाद। विजयनगर थाना क्षेत्र में कल एक हैवी हुई थी जिसमें कुछ लोगों का प्रकरण दर्ज हुआ। उसी के रेफरेंस में कुछ फरियादी पक्ष है जो बता दें उनकी कुछ मांगे थी, उनसे कुछ बातचीत करनी थी, इसके लिए वो लोग थाने पे आए। तो उनसे बातचीत कर ली गई, जो भी आश्वासन उनको देना और जो भी उनकी मांगे थी उनकी बात कर ली। कानूनी कार्रवाई पूरी इसमें की जा रही है, इस बात का उनको आश्वासन दिया है और इस पर जैसे भी इन्वेस्टिगेशन में आगे काम होगा उस पर विवेचना की जाएगी। आपको पूरा परिचय सर? मैं ACP विजयनगर। ग्रामीण भारत TV के लिए इंदौर से आदित्य शर्मा की रिपोर्ट। खबरों में बने रहने के लिए ग्रामीण भारत TV को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें।